वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मज़े में होंगे। और आज मैं आपके पास एक न्यू प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। ये मैं बना रही हूँ हेयर बैंड पुनी, ठीक है? तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आप जिसके लिए भी अच्छी लगे, तो इस तरीके से मैं इसको कम्प्लीट करूँगी। तो चलें हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें 3 डिफरेंट कलर के यार्न चाहिए हैं, एक हेयर बैंड चाहिए है। तो हम अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, देखें, सबसे पहले मैं बना लूँगी एक स्लिप नॉट, ठीक है? स्लिप नॉट बनाने के बाद, मैंने हेयर बैंड को लिया और इसमें मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशेज। अच्छा, कितने मुझे सिंगल क्रोशेज बनाने हैं? मुझे एक फ्लावर बनाने के लिए, जिस तरह से मैंने फ्लावर बनाया है एक, तो इसमें मुझे 7 बेस, इसकी जो बेस चाहिए वो 7 सिंगल क्रोशेज की चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से मुझे जितने भी फ्लावर्स बनाने हैं, कि 6 बनाने, 5 बनाने हैं, 10 बनाने, 9 बनाने, वट एवर ना, तो उसी हिसाब से मैं उतने उतने सिंगल क्रोशेज लूँगी, 7 का ग्रुप, ठीक है? अच्छा, तो जिस तरह से मैंने इस प्रोजेक्ट में मैंने 10 बनाए हैं, ठीक है, 10 फ्लावर्स बनाए हैं, तो अभी इसी तरीके से मुझे 7 सिंगल क्रोशेज का एक ग्रुप लेना है एक फ्लावर के लिए। और इसी तरह से आप उसको मल्टीप्लाई बाय, मतलब करती जाइए। तो मैंने इसमें 70 सिंगल क्रोशेज लिए थे, तो अभी मैं इसमें भी 70 ही सिंगल क्रोशेज लूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं इसका बनाऊँगी 7 सिंगल क्रोशेज का 1 ग्रुप, ठीक है? 1, 2, देन 3, 4, 5, 6, 7। देखें, जिस तरह से मैंने ये इसमें 7 बनाए हैं, इसी तरीके से मैं आगे चलती हुई जाऊंगी और मुझे इसमें 70 सिंगल क्रोशेज बनाने, क्योंकि मैं इस बैंड में 10 जो है फ्लावर्स बनाना चाह रही हूँ, ठीक है? तो चलिए हम अपने 70 सिंगल क्रोशेज इसमें सब कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मैंने ये 70 सिंगल क्रोशेज इन राउंड अराउंड बैंड कर लिए, ठीक है ना? अब मैं क्या करूँगी कि जो इसका फर्स्ट सिंगल क्रोशे था, यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ जी स्लिप नॉट, ठीक है? स्लिप नॉट बनाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा यार्न को खींचा और इसको कट कर देना है, ठीक है? इसको मैंने कर दिया कट। मैं अब करूँगी दूसरा जो है वो कलर यूज़, ठीक है? अच्छा, अब ये मैं करती हूँ नेक्स्ट कलर, दूसरा कलर चेंज करती हूँ। मैंने इसको कट कर लिया था और आपको मैंने बताया था जैसे कि इसमें हम 3 कलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एक और इसमें बना लेती हूँ जी स्लिप नॉट। ये देखिए, एक स्लिप नॉट करने के बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर अटैच करूँगी इसकी चेन में, ठीक है? 1 चेन में इसकी अटैच किया मैंने, और बनाऊँगी मैं चेन, ठीक के बाद कितनी चेन बनानी है मुझे, 5, 1, 2, 3, 4, 5 चेन्स बनाने के बाद मुझे सेम स्टिच में इस तरीके से इसको एक सिंगल, एक डबल क्रोशे बनाने, ठीक है? यहीं पे ही, जहाँ पे मैंने इस स्पेस में लिया था, यहीं पे मैंने सिंगल एक डबल क्रोशे बनानी है, ठीक है? 1 डबल क्रोशे, उसके बाद मैं क्या करूँगी, 2 चेन, 1 एंड 2, 2 चेन्स बनाए। फिर मैं क्या करूँगी, ये देखें, जहाँ मैंने ये बनाया था, इसके बाद इसको छोड़ने के बाद एक चेन के स्किप किया और नेक्स्ट चेन में मैंने लाके इसको एक डबल क्रोशे बना लेना है, ठीक है? 1 डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन्स अगेन मैंने ली, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगी, फिर सेम स्पेस पर मैंने लाके इसको 1 डबल क्रोशे बना लेना है। फिर उसके बाद 2 चेन्स बनाऊँगी, देखें इस तरीके से सिंपल, ठीक है ना? ये किया, फिर क्या करूँगी, ये दो हो गए थे मेरे, अब मैंने 1 चेन को स्किप किया और उसके बाद नेक्स्ट चेन पर आकर मैंने कर लिया 1 डबल क्रोशे, ओके? ये भी कर दिया मैंने 1 डबल क्रोशे, 2 चेन्स। अब देखें, इसी तरीके से सेम पैटर्न पे जाते करते हुए मैं पूरे राउंड को इस तरीके से अपने कंप्लीट करूँगी। ये देखें,
मुझे अपनी ये 70 स्टिचेस हैं, इनमें मैं सेम प्रोसेस करती जाऊंगी कि सबसे पहले मैंने लिया 5 चेन 2 चेन, फिर उसके बाद मैंने 1 डबल क्रोशे बनाया इन सेम स्पेस पे, 2 चेन्स लिए, फिर डबल क्रोशे बना के 1 चेन स्किप किया, और इस तरीके से करते हुए मैं इस अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करूंगी। ये मेरा सेकेंड राउंड है, ये देखें यहाँ तक मेरे कंप्लीट हुए। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये 2 चेन्स लास्ट में बनाकर मैंने सारी वीज बनाने के बाद 2 चेन बनाया, और 2 चेन के बाद 1 2 3 3 पे लाकर मैंने यहाँ पे इसको स्लिप नॉट कर दिया, ठीक है। और इसको मैं करूँगी कट, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको कट करूँगी यार्न को। पहले मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं सेव कर लूँ, ठीक है। अब इसके बाद इसको मैंने कट कर लिया, ये देखिए इस तरीके से मेरा ये शेप आ गया। अब मैं फर्दर ये करूँगी, थर्ड कलर यूज़ करूँगी, ठीक है, थर्ड कलर मैंने यूज़ करना है। अब इसमें मैंने क्या करना है, इसकी इस तरह से ये राउंडेड पेटल्स हैं, इसको करना है बन कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले बनाऊँगी एक स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट बनाने के बाद इसमें करूँगी मैं अटैच, ठीक है। इसके अंदर मैं अटैच करने लगी हूँ, यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशे बनाना है सबसे पहले, ठीक है, 1 सिंगल क्रोशे, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद मैं लूँगी 1 चेन, और 1 चेन बनाने के बाद मैं लेती जाऊंगी इसके अंदर डबल क्रोशेस। तो मुझे सबसे पहले 3 डबल क्रोशे बनाने, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशेस, ठीक है। 3 डबल क्रोशेस बनाने के बाद मैंने एक चेन लिया, और उसके बाद मैंने सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बना लिया, ठीक है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद मैं नेक्स्ट स्पेस पे जाऊंगी, और नेक्स्ट स्पेस पे आके मैंने सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन एंड देन मैंने बना ली है 3 डबल क्रोशेज, 1 2 2 डबल क्रोशेज एंड ये हो गया 3 डबल क्रोशेज, ठीक है। 3 डबल क्रोशेज के बाद 1 चेन, 1 चेन के बाद सेम स्पेस में मैंने बनाया सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से मेरी ये इस तरह की पैटर्न्स बन रही हैं। फिर नेक्स्ट स्पेस पे गई, ठीक है, नेक्स्ट स्पेस पे आके 1 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी सबसे पहले, चेन, 1 चेन बनाने के बाद 3 डबल क्रोशेज, 1 2 3 डबल क्रोशेज, 1 चेन, और उसके बाद आ गया 1 सिंगल क्रोशे, ठीक है। 5 पेटल्स इस तरह से बनाऊंगी, 1 2 3 4 एंड 5, 3 कंप्लीट हैं, और मैं 2 और बनाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 5 5 मैंने पेटल्स कंप्लीट कर ली। ये देखिए ये मेरी 5 पेटल्स जब कंप्लीट हो गई तो मैंने यहाँ थोड़ा सा इसको यार्न को खींच कर और छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं तो बना रही थी पेटल्स इस तरह से, ये है फ्रंट साइड, लेकिन मैं पेटल्स को टर्न करूँगी इस तरह से, और मैं क्या करती हूँ, अब मुझे करना है फ्लावर कंप्लीट, इस तरह मैंने इसको करना है, जॉइंट करना है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ से छोड़ दिया, और उसके बाद मैं इसको करूँगी टर्न, ठीक है। मैंने अपना जो हुक है इधर पेटल में, इसके इस साइड पर मैंने हुक इंसर्ट किया, और उसके बाद मैंने ये जो लूप है इस लूप को इसके अंदर से लेकर यहाँ बाहर खींच लूँगी मैं, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ यूँ खींचा, ये देखिए इस तरीके से जो ये फ्लावर के अंदर से मैंने ये बनाए थे ये यहाँ से इस तरह नज़र आए, ठीक है। मैंने क्या करना है,
यहाँ मेरा लूप हो गया टाइट। अब मुझे फर्दर इस पर कुछ नहीं करना, मैं जाऊँगी इस वाली स्पेस पर और मैंने बनाने हैं यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशेज इन दिस स्पेस। ठीक है, जो 2 चेन स्पेस थी यहाँ पे मैंने बनाने हैं 3 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्पेस पे जाऊँगी, फिर मैंने 2 चेन वाली स्पेस पे 3 सिंगल क्रोशे इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से 2 2 चेन वाली स्पेस में 3 3 सिंगल क्रोशे इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस तरह से इसका ये लुक आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी नेक्स्ट, इस स्पेस में आई मैंने बनाया 1 सिंगल क्रोशे 1 चेन, फिर मैं दोबारा बनाऊंगी 3 डबल क्रोशेज फॉर अ पेटल। ठीक है, 1 2 एंड 3, 3 डबल क्रोशेज हो गए मेरे यहाँ पे। फिर बाद 1 चेन बनाया और मैं चली गई जी सेम स्पेस पे 1 सिंगल क्रोशे के लिए। ठीक है, ये हो गया। अगेन मैंने वही प्रोसेस अप्लाई करना है। सबसे पहले बनाऊंगी 1 सिंगल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे इन सेम स्पेस 1 2 एंड 3, 3 डबल क्रोशेज। उसके बाद 1 चेन बनाया और 1 चेन बनाने के बाद 1 सिंगल क्रोशे पैटल फिनिश। ठीक है, इसी तरीके से मैं करते हुए अपने बाकी पैटल्स को भी कंप्लीट करती हूँ। मतलब मैंने पहले भी 5 बनाई थी, इसी तरह से 5 पैटल्स बनानी है मज़ीद। ये देखें, इस तरीके से मैंने ये 5 पैटल्स बनाई हैं। अब मैंने फिर इसको टर्न किया फ्रंट साइड पे, नहीं बैक साइड पे। ठीक है, बैक साइड पे टर्न करने के बाद इसको मैं बना लूँगी यहाँ से, इसको इस स्पेस पे लाकर मैंने ये लूप को खींच लेना है। ठीक है, इस तरीके से इसको टाइट किया, ये देखें, ओके। उसके बाद इसको बराबर करती हूँ, ठीक किया, और फिर नेक्स्ट स्पेस में 2 चेन स्पेस पर आकर मैं उसी तरीके से 3 3 सिंगल क्रोशेज बनाऊँगी। ओके, 1 2 एंड 3, नेक्स्ट 2 चेन स्पेस 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर मैं इसी तरह से अपने फ्लावर के लिए पैटर्न्स बनाती हूँ। तो देखें, चलिए मैं इसको फर्दर कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये मैंने अपने सारे फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये मेरा हेयर बैंड कंप्लीट हो गया है, फ्लोरल हेयर बैंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कुछ मज़ीद आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी वीडियो को अपने प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हर केस ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।